एक दीपक वशिष्ठ वेद पाठी जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि गुरुदेव नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा होती है या नहीं। नर्मदेश्वर को हम दुकान से खरीद करके लाए हैं, क्या उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। देखिएगा, नर्मदा जी से प्राप्त जो शिवलिंग है उनको नार्मद लिंग कहते हैं अथवा नर्मदेश्वर कहते हैं। नर्मदा जी के पावन तट पर बैठ करके भगवान शिव का परम प्रिय भक्त जो बाणासुर जिन पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करते थे और फिर वो नर्मदा जी में प्रवाहित कर देते थे, कालांतर में वे वाणलिंग कहे गए, तो उन वाणलिंगों की प्रतिष्ठा नहीं होती है। वे वाणलिंग नर्मदा जी के धारा क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं। भविष्य पुराण का वचन है कि वाणलिंगान राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारस तेषां नावाहनं तथा। हे राजेंद्र, जो बाण लिंग हैं जो धारा क्षेत्र में प्राप्त होते हैं वो तीनों लोकों में विख्यात हैं। ख्यातानि भुवनत्रये, उनकी न प्रतिष्ठा न संस्कारस तेषां, तेषां न प्रतिष्ठा न संस्कार न आवाहनम, और जब आवाहनम नहीं तो न विसर्जनम, विसर्जन आदि भी नहीं होता है बाणलिंगों का। परंतु और जगह से नर्मदा जी में ही प्राप्त हुए नार्मद लिंगों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव नर्मदा जी से जहां धारा क्षेत्र में वर्तमान में बांध बना दिया गया है और हजारों मीटर जल भरा हुआ है, अभी वे वाणलिंग अब अप्राप्त हैं, अभी कोई वहां से नहीं ले सकता। उन्होंने बताया कि वहां की ऐसी स्थिति है कि वहां के जो पत्थर हैं वो भी जल प्रवाह से ऐसे योनि आकार के बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी छोटी योनि, बड़ी योनि और हाथी समा जाए ऐसी बड़ी बड़ी योनि थी वहां, और बड़े सुंदर सुंदर शिवलिंग जो है वहां से वे लेकर के आए थे। कई जो है वृंदावन, तीन तो वृंदावन में प्रतिष्ठित तो हुए हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती थी जो धारा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। उनमें भी जो शहद के रंग के होते थे उनकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में, यद्यपि कई रंग हैं उनके पर शहद रंग के सर्वोत्तम हैं। अब प्रतिष्ठा नार्मद लिंगों की करनी चाहिए, इसमें प्रमाण देखिए। बाण लिंगों की तो ये लिखा हुआ है भविष्य पुराण में कई जगह के जो बाण लिंग हैं नर्मदा जी से प्राप्त होते हैं उनकी प्रतिष्ठा संस्कार आवाहन विसर्जन आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, परंतु और नार्मद लिंग हैं उनमें होती हैं। देखिए, वर्तमान में जो वाराणसी में काशी में जो विश्वेश्वर हैं, विश्वनाथ हैं, ये तो आपको पता ही होगा वो मूल ज्योतिर्लिंग में नहीं है, कई जो है ऐसे कुकाल के प्रभाव से विधर्मियों ने उनको जो है वहां से हटा दिया, वो सब जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो कालांतर में सबसे बाद में जो है भगवान शिव की परम भक्ता अहिल्याबाई होलकर्ण जी ने वो वहाँ स्थापित करवाया है, जिसकी आज भी जो है प्रतिष्ठा है और पूजा होती है। राजनेताओं ने कुछ समय बाद जो है गंदी राजनीति करके और शूद्रों को भी मंदिर में प्रवेश कराया जाए इस तरीके से, और उसमें विश्वनाथ के मंदिर में कई लोगों को उसमें घुसाने के लिए प्रेरित किया,
और सब लोग मिलकर के उसमें जूते पहन करके भी प्रवेश करने के लिए अग्रसर थे। तब कई लोगों को समझाया तो वहां के जो सुपच लोग थे वे भगवान शिव में बड़ी आस्था रखते थे। नए विश्वनाथ क्यों, ये जो है बनारस से एक पुस्तक निकलती है, राधेश्याम खेमका जी ने लिखी थी, अब तो वे भी दिवंगत हो गए, तो उसमें आप पढ़िएगा संस्मरण धर्म सम्राट का। तो वहां स्वामी जी ने उनको पूछा, क्या तुम मंदिर जाना चाहते हो? उन लोगों ने कहा, नहीं, हम तो भगवान शिव के परम भक्त हैं, हमारे पूर्वज भी कभी मंदिर में नहीं गए, हमें तो वो विश्वनाथ यही फल देता है, जो है हम तो उनकी सेवा झाड़ू लगा कर ही कर देते हैं। इस तरीके से कई जो है शास्त्रीय वचन उन सुपचों ने कहे और वे अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े बड़े वृद्ध लोग वे नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मंदिर में हम प्रवेश नहीं करेंगे, ये राजनेता लोग अधर्म कर रहे हैं। धर्म सम्राट ने ज्ञानवापी में और वहाँ बहुत सभा की, सभी विद्वानों को एकत्रित किया, राजनेताओं का भी आह्वान किया, उसमें ये प्रस्ताव रखा कि जब आप सबको समान देखना चाहते हैं, सबका समान अधिकार करना चाहते हैं, तो ठीक है हम लोग भी और भी बनारस के जो राजा हैं तो वे भी दर्शन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न करके बाहर से ही करेंगे। सब लोगों का जो है दर्शन करने का अधिकार दीजिए और सब लोग गर्भगृह से, अर्थात जिस भवन में भगवान की प्रतिष्ठा है उस भवन में तो केवल पुजारी लोग ही, अधिकृत पुजारी लोग ही जाएं और बाहर से हम सब लोग दर्शन करें। चाहे जो है कितना भी बड़ा राजनेता आ जाए या कोई छोटे से छोटा आम आदमी आ जाए, सब लोग बाहर से ही दर्शन करें, ये व्यवस्था उन्होंने दी। और इसमें किसी का भी कोई भी ना अपमान था ना किसी का विशेष महत्व था और सबको समान रूप से भी देखा जाएगा। लेकिन वो सरकार नहीं मानी और धर्म सम्राट के भगीरथ प्रयास के बाद भी उसमें उन लोगों ने, जो कर्मचारी सरकारी थे उन लोगों को लेकर के, कुछ राजनेताओं के बहकावे में आकर के सब लोगों को उसमें वह प्रवेश करा दिया गया, मंदिर को भ्रष्ट कर दिया गया, सब लोगों का उसमें प्रवेश हुआ। लिखा हुआ है कि चतुर्थाश्रमी और स्त्रियों को शिवलिंग से स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना, स्पृष्टवा नरक मश्नते, ऐसा लिखा हुआ है। शालग्राम का और शिवलिंग का स्पर्श निषेध है और वे उसमें जो है स्पर्श करा दिया गया, उसको छू लिया गया। तब धर्म सम्राट ने वहाँ मीर घाट पर भगवती भागीरथी के किनारे नवीन मंदिर निर्माण करा करके और उसमें जो है उस तत्कालीन जो है वैष्णवाचार्य से, उनको वैष्णवाचार्य को यजमान बना करके वहाँ प्रतिष्ठा कराई। तो उस प्रतिष्ठा में नवीन विश्वनाथ, जो कि हम सनातनी हिंदुओं के लिए वास्तव में काशी विश्वनाथ हैं, क्योंकि उसमें से देवत्व चला गया, जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, शास्त्र कहते हैं कि इस विधि के अनुसार प्रतिष्ठा करने पर उसमें, उस पाषाण में, उस पार्थिव में जो है भगवान भगवत तत्व आ जाता है, भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं इस पद्धति के अनुसार। और वे ही शास्त्र कहते हैं यदि ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो वो भगवत तत्व उनमें से चला जाता है। तो दोनों ही बात शास्त्र की माननी पड़ेंगी। तो ऐसा ऐसा कर दिया, अस्पृश्यों से स्पर्श करा दिया, अनधिकारियों का प्रवेश करा दिया, तो भगवत तत्व उसमें से चला गया, ये स्वामी जी का मानना है। और उन्होंने कहा भी ये शास्त्र सम्मत बात है। तो नवीन विश्वनाथ की जो है स्थिति बनाई, क्योंकि यदि मूल ज्योतिर्लिंग होता तो बताया गया है कि उसको फिर दोबारा शुद्ध भी किया जा सकता है इस तरीके से, परंतु मूल तो ज्योतिर्लिंग है नहीं, ये तो जो है वर्तमान में काशी विश्वनाथ जिसको लोग समझते हैं वो तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित था, तो उसमें से भगवत तत्व निकल गया शास्त्र के अनुसार। इस दृष्टि से धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने नर्मदा जी से नारमद लिंग मंगवाया, जो कि शहद के रंग का है। आप सभी लोग जो भी सनातन धर्मी हिंदू हैं वे अगर दर्शन करना चाहते हैं वास्तविक विश्वनाथ का, तो नवीन विश्वनाथ धर्म सम्राट के द्वारा स्थापित
वो मीर घाट पर हैं, उनका दर्शन अवश्य करें। तो वहां लिखवाया कि प्राइवेट मंदिर, उसमें किसी का भी जाने का अधिकार नहीं। स्वामी जी ने कहा मैं भी इसके अंतर्गत नहीं जाऊंगा, केवल पुजारी जाएंगे और सब लोग दर्शन कर सकते हैं बाहर से, अंदर प्रवेश वर्जित है और उसमें कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, इसलिए उस मंदिर पर लिखा हुआ है अभी भी आप जाए कि प्राइवेट मंदिर। तो ये जो है, तो उस समय नर्मदा जी से नर्मद लिंग मंगा करके विधिवत उनकी प्रतिष्ठा करवाई गई। तो नर्मद लिंगों की जो बाण लिंग नहीं है उनकी तो प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आपने तो लिखा हुआ है अपने प्रश्न में कि हमने तो जो है वहां से मशीन से बने हुए एक छोटे से लिंग को खरीद रखा है, उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं? उनकी तो प्रतिष्ठा का विधान ही है। क्या होता है कि नर्मदा जी के किनारे और जो भी पत्थर हैं, सामान्य पत्थर हैं, वो भी उसी आकार प्रकार के होते हैं। जिस पर्वत का कोई खंड है, जिस पर्वत का कोई जो है शिला है, वो भी पहचान में आता है कि ये भाई गोवर्धन पर्वत का है, ये चित्रकूट पर्वत का है, उसके किनारे के पत्थर भी। जिस नदी के कोई भी जो है शिलाखंड होते हैं या बालू होती है, वो सब एक जैसी होती है, प्रायः समझ में आ जाती है। इस दृष्टि से नर्मदा जी के किनारे के और भी जो कंकड़ टेढ़े मेढ़े और चपटे इत्यादि जो हैं, उनको मशीन के द्वारा घिस करके और वो लोग जो है अनुपात में बना देते हैं, तो उनकी तो प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए, इसमें कोई भी दोहराव नहीं है। सामान्य रूप से नर्मद लिंगों की भी प्रतिष्ठा होती है, केवल बाण लिंगों की प्रतिष्ठा करने का शास्त्र में विधान नहीं है। ये जो है निर्णय शास्त्र सम्मत और आचार सम्मत है। हर हर महादेव।